डर लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, घर जाके चुपचाप सो जा। चल मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। पुलिस में कंप्लेंट करेगी? तूने मेरे पापा को मारा। पुलिस को बताएगी? वो भी मेरे खिलाफ। स्टेशन में कंप्लेंट करके दिखा तो सही। ध्यान से सुनो, आइंदा से तुम में से किसी ने भी शाना बनने की कोशिश की ना, तो तुम सबको मुर्गे की तरह कुकड़ों को करके चीर दूंगा। समझ गए क्या? हाँ चलो रे। मॉर्निंग डैडी। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी रही जॉगिंग? फर्स्ट क्लास डैडी। ओके गुड। ये लीजिए कॉफी। मुझे चाय चाहिए मम्मी। ये क्या तेरा हमेशा का नाटक है? ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर जॉगिंग के लिए जाती हो? अब तुम बच्ची नहीं रही, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो स्टूडेंट पर क्या असर होगा? ये मत भूलो कि तुम एक टीचर हो। मम्मी मैं एक कॉलेज लेक्चरर हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम लेक्चरर नहीं बन पाई इसलिए मुझे लेक्चरर बनना पड़ा। पता है कॉलेज में सभी लोग मुझे मैडम मैडम के नाम से बुलाते हैं। मुझे ये सब सुनना बहुत अजीब लगता है। तुम्हारा इरादा क्या है, कपड़े सिलते रहोगी क्या? मुझे कपड़े नहीं सिलना है मम्मी, मॉडलिंग, मॉडर्न ड्रेस पहनकर कैटवॉक करते हुए मेरी स्टाइल को, शेप को देखकर लड़के पागल की तरह मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तेरी इन हरकतों से मैं बहुत परेशान हूँ, न जाने कब सुधरेगी तू। डैडी जरा देखिए ना मम्मी को। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना। क्यों कोसती रहती हो मेरी बेटी को? राजकुमारी है मेरी। हाँ, बड़ी आई राजकुमारी और आप महाराजा। इसे फैशन कहते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चलो रहने दो, जाकर नाश्ता लेकर के आओ। जाओ, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो रहा, तैयार हो जाओ। I love you, Daddy. I love you too. Thank you.
कैसी फिल्म है, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। इससे अच्छी तो थिएटर की फिल्म होती है। नमस्ते। नमस्ते सर। आइए आइए बैठिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? कमर अकड़ गई है सर। डॉक्टर साहब को आने में देर होगी। अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपको दवाई लिखकर दे देता हूँ, ठीक है? नहीं सर, बड़ा डॉक्टर चाहिए। अच्छा, बड़ा डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर साहब नहीं है भाई, उन्हें आने में देर होगी, मैं ही डॉक्टर हूँ ऐसा समझो। नहीं सर, उनको आने दीजिए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तब हाँ। उन्होंने ही दवाई दी थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, मैं तो उससे भी अच्छा कंपाउंडर हूँ, समझते क्यों नहीं हो? काफी दर्द हो रहा है कंपाउंडर साहब। अरे मेरा यकीन करो भाई, 3 दिन पहले एक मरीज ऐसे ही दर्द के साथ आया और कहने लगा कि बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, तो मैंने दवाई दी। उसके बाद उसका दर्द गया कि नहीं वो तो नहीं मालूम, लेकिन वो दुनिया से चला गया। कोई बात नहीं, मुझे डॉक्टर को ही दिखाना है। मेरी बात सुनो भाई, उनको डिसेंट्री लग गई है, घर में उनकी माँ उनकी नजर उतार रही है, इसलिए आने में उनको थोड़ी देर लगेगी। मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्हीं को दिखाऊंगा। डॉक्टर नहीं आएगा पागल, मैं ही असली डॉक्टर हूँ। तुम डॉक्टर हो? नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो? साफ सफाई कर रहा हूँ। पहले में वो क्या है? ये मैंने मिस्टेक से पहन लिया। ठीक है, हटो हटो, चलो हटो हटो। नमस्ते सर। ओके, बताइए प्रॉब्लम क्या है? कमर में दर्द है सर। ओ अच्छा, बैक पेन। वो तीनों कलर एक एक दे दो। ये लो पकड़ो, ये तीनों एक साथ खा लो। ये तीनों एक साथ खा लेना और पैसे रिसेप्शन पे जमा कर देना। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ शुक्रिया कंपाउंडर। ये जी डॉक्टर साहब। इंसान पैदा होने के बाद बीमार पड़ता ही है। हाँ, बिल्कुल सर। और जब वो बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल आना ही पड़ता है। सही बात है। हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। और डॉक्टर उसकी जांच करके दवाई लिख देता है। बिल्कुल। हमारे लिखने के बाद मेडिकल वाले उसे दवाई देते हैं। बिल्कुल। कंपाउंडर लिखेगा तो वो दवाई नहीं देंगे। अरे वो देखो, सबसे बड़ा आशीर्वाद में फूल लेके आ रहा है। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे ये मैंने अपने लवर को दिया था, तो वो बोली ये उसको दे दे जिसे फिट होता है। समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करूं यार। जा जाके जल्दी दे के आ उसे। ए, ये फूल इधर। नहीं मैं नहीं दूंगा। ये ले। यस आई लव यू। थैंक्स। इसका मतलब मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर रही हो? तुम मेरे लायक नहीं हो। क्यों, मुझ में क्या कमी है? मैं लेक्चरर हूँ, तुम स्टूडेंट। तो उन्होंने तुम्हें पास कर दिया और मुझे फेल, तभी तो मैं आज भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर हूँ, समझी? अरे मेरे प्यारे पप्पू, वो तुम्हें पास करने के लिए तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी चाहिए ना। मेरा बॉयफ्रेंड बनने की तुझमें कोई क्वालिटीज नहीं है। वो क्वालिटीज क्या है? सिर्फ बाहर से स्टाइल मार के अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता। अरे ओ, अपनी बेकार की बकवास बंद करो। मैं पप्पू नहीं हूँ, अपने कॉलेज में किसको मारना है बताओ। ए, बंद करो इस कॉलेज को, क्या देख रहे हो, बंद करो इसे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर तुम में दम है तो उनका दम निकालो। ऐसा क्या? अच्छा ये बताओ, आज कौन सा वार है? मंगलवार। मंगलवार को मैं वार नहीं करता। तेरी जिंदगी पे थू है। अरे बोला ना, बंद कर। देखिए भाई साहब, ये कॉलेज है, मेरे केबिन में आ जाइए, वहाँ बैठ के बात करेंगे, आप इस तरह चिल्लाइए नहीं। अरे इसमें बात बात कुछ नहीं करना है, कॉलेज बंद करने का है। कॉलेज बंद करो मतलब बंद करो, जल्दी से कॉलेज बंद करो, निकल यहाँ से। आप कैसी बातें कर रहे हैं, शांति से बात कीजिए, एग्जाम चल रहा है। अरे रास्ते पर बिठा कर एग्जाम लेना उनका। और तुम लोग यहाँ क्या तमाशा हो रहा है क्या? जा जाके कॉलेज बंद करवा। रुकिए मेरी बात सुनिए। कॉलेज क्यों बंद करवा रहे हो? हमारा भाई इस कॉलेज को अपना समझते हैं, इसलिए हम लोगों को बंद करने के लिए बोला है। कौन है तेरा भाई, बोल, बुला उसको यहाँ, फोन कर। अबे सो गया क्या? फोन दे, फोन जल्दी दे मुझे, जल्दी दे। भाई फोन में बैलेंस नहीं है। अबे फोन कर, तेरी तो जल्दी। हाँ है बैलेंस है, लग गया फोन।
रिंग भी बज रही है। भाई ये हमें मार रहा है, भाई पता नहीं कौन है, हमारा कचुंबर बना दिया है इसने, इसने आपको इधर आने को बोले ला है। भाई बोलता है टाइम नहीं है। ध्यान से सुन, आइंदा तुम में से कोई भी इस इलाके में दिखा तो यहाँ की वोटर लिस्ट से तुम्हारा नाम और यहाँ की मैप से तुम लोग का एड्रेस दोनों ही गायब कर दूंगा। भाई भाई थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडेंट के भविष्य को आपने बचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ओके, बाय द वे ये मेरी बहन है सर, आपकी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है। ओके, इसका एडमिशन हो जाएगा, आप चिंता ना करें। वेलकम। हे, इससे बोलो ना। ओके मैडम, हवलदार साहब, मैडम आपसे कुछ बात करना चाहती है। थोड़ा साइड में आएंगे, चलिए बात करते हैं। जरा रुकिए, मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? आपके इंस्पेक्टर की शादी हो गई क्या? नहीं तो, आपको करनी है क्या? नहीं नहीं, मैडम करना चाहती है। लेकिन वो नहीं करेंगे, उन्हें लड़कियों से एलर्जी है। कोई बात नहीं, उनका फोन नंबर दे दो। मैंने कहा ना उन्हें लड़कियों से एलर्जी है, चाहिए तो मेरा नंबर ले लो। तेरा फोन नंबर नहीं चाहिए गधे, उनका नंबर दे दो ना प्लीज। मैं किसी के लिए काम फ्री में नहीं करता, सब बताऊंगा। कितना चाहिए? नंबर का 100 होगा। ये ले 100 रुपए। लिखो नंबर। हाँ बोलो। पहला नंबर 9 है। उसके बाद? नंबर का 100 है, एक और 100 दो। अच्छा ऐसा क्या, जरा वो 100 देना। तुम्हें नंबर नहीं चाहिए क्या? इस काली को पैसे देने से अच्छा है डायरेक्ट थाने से नंबर ले लेंगे। चलिए मैडम। अरे मैं पूरा नंबर बता दूंगा, 100 दे दो मुझे। एक बार मैंने कमिटमेंट दे दी तो खुद की भी नहीं सुनती। बेकार में हीरो बन रहा था उसके सामने। हेलो, क्या मेरे बारे में सोच रही थी? तुम्हें एक बार बोला तो समझ में नहीं आता, मुझे जाने दो। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? देखो अपनी लिमिट क्रॉस मत करो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। हेलो पुलिस स्टेशन। ए, ए, रुको रुको, कहाँ जा रही है तू? मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, मुझे तो मैं ऊपर पहुंचा करूंगा। ए इंस्पेक्टर, चल हाथ हटा अपना, चल। पुलिस वाले पे हाथ उठाता है तेरी ये हिम्मत? तेरे जैसे लोगों को अरेस्ट करना, कोर्ट कचहरी ले जाना बिल्कुल बेकार है। और ध्यान से सुन, तेरे जैसे गुंडों के साथ मैं ज्यादा बात नहीं करता, तुरंत फैसला लेता हूँ, तेरी तो बस गोली मार देता हूँ। और बिल्कुल वैसे ही करना। उस हाथी को देखिए जरा, उल्टा क्यों लटक रहा है? इतना शॉक क्यों हो रहे हो? अरे वो मेरा पेशेंट है। योगा ट्रीटमेंट चल रहा है जो कि मैं दे रहा हूँ। अच्छा अब तक सब लोग बोलते थे कि मेरे हाथ का इलाज बेमिसाल होता है। अच्छा कल से लोग मुझे योगा डॉक्टर बोलेंगे। इसका प्रॉब्लम क्या है और यही ट्रीटमेंट क्यों? अरे वो एक नंबर का बेवड़ा था, दारू पानी की तरह पीता। उल्टा खड़े होने से ठीक हो जाता है क्या? अरे पी पी के उसका लीवर खराब हो गया तो वो ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आया, मैंने उसे योगा की गोली दी और ये उसी का असर है, अब वो जिंदगी में दारू को हाथ नहीं लगाएगा। क्यों दगड़ू, अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने दारू पूरी तरह छोड़ दी है ना? सच बता दूं आपको, आपने उल्टा होकर दारू पीने को कहा था ना, मैंने वैसे ही शुरू किया। पहले पैक पीता था, बॉटल से शुरू कर दिया सर। अभी तो आपने क्वार्टर देखा, अब तो मैं पूरा खंबा पीऊंगा सर। आपके हाथ का जवाब नहीं, आपकी बातें बेमिसाल है ना। एक क्वार्टर पीने वाले को फुल बॉटल की आदत लगवाई आपने, सत्यानाश हो आपका। अरे सुन सुन, एक्सक्यूज मी सर। हाँ विजय अंदर आओ।
और विजय बताओ क्या हालचाल है? तुम्हारे चाचा जी कैसे हैं? ठीक है सर। बताओ कैसे आना हुआ? सर वो मेरे ट्रांसफर का क्या हुआ सर? इस बार भी ट्रांसफर लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं। सर पिछले 5 सालों से कोशिश कर रहा हूँ, मुझे प्रमोशन की चिंता नहीं है सर, सिर्फ ट्रांसफर चाहिए। तुम्हें ट्रांसफर चाहिए वो भी गाँव में, वहाँ पर क्या करोगे तुम? वो मेरी इच्छा है सर। इसे क्या हो गया विजय? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है चाचा जी। किस बात पे इतना गुस्सा हो? ये नाराजगी किस पे है बेटा? क्या हुआ तुम्हें? अरे बताओ तो। डैडी। क्या हुआ? हाँ बोलो बेटा। अब और मैं उस कॉलेज में नहीं जाऊंगी। क्यों? वहाँ लड़के मुझे छेड़ते हैं। कौन है वो? चलो मेरे साथ। विजय विजय देखो गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो विजय। पुलिस ऑफिसर हो, कानून अपने हाथ में मत लो। पुलिस ऑफिसर की बहन को छेड़ते ही कमीने, सब कुछ जान से मार दूंगा। विजय 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 कंट्रोल योरसेल्फ, जिस समाज में रहते हो उसी के लोगों को मारने की बात कर रहे हो तुम? इधर जी बताइए, कुछ काम था? कुछ नहीं, बस तुम्हें छोटी सी पार्टी देनी है। पार्टी? और मुझे किस खुशी में? वो कह ना कि आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है, वो भी मुझसे? ठीक है चलो पार्टी शुरू करते हैं। ओके वेटर। यस बोलिए मैडम, ये लीजिए मेनू। इस मेन्यू में से आपको जो जो चाहिए ऑर्डर कीजिए। चिकन के टुकड़ों को डीप फ्राई करके, बिरयानी को दम करके, मेरे लिए एक चिकन दम बिरयानी लेकर आ। चल हंडी बिरयानी चाहिए या फिर फैमिली पैक? ए पागल, कोई फैमिली पैक खाता है क्या? अरे डबल लेकर आना, समझा क्या? अबे खड़ा क्या, जा जल्दी। ओके सर। आपके इंस्पेक्टर से एक बार बात करनी है, नंबर दीजिए ना प्लीज। कोई प्यार व्यार का चक्कर है? ठीक है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। क्या हुआ, मन में गाली दे रही हो? अरे नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नाटक मत करो। ये क्या है रे, तेरे को डबल लाने को बोला था, सिंगल नहीं? ये डबल ही है सर। इसको तुम लोग डबल बोलते हो, मतलब सिंगल में कचू मर देते हो? डबल में इससे ज्यादा कहीं भी नहीं मिलेगा सर। ठीक है एडजस्ट कर लूंगा, अब तू जा, मुझे इसे चैन से खाने दे। अबे घूर क्या रहा है तू मुझे, चल निकल यहाँ से, चल चल। ओके सर। तो बता दीजिए ना सर। क्या बताऊं आपको? हाँ वो प्यार का चक्कर है ना। एक काम करिए, कल सुबह अपने मम्मी पापा को लेकर हमारे साहब के घर चले जाइए। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कल आ जाना, मैं सब संभाल लूंगा, टेंशन मत लेना। कंपाउंडर। यस सर। अपने हॉस्पिटल में हाँ? काफी लोग आते जाते हैं ना? हाँ, कितने लोग आते जाते हैं वो मायने नहीं रखता, कितने पेशेंट्स यहाँ से ठीक होके जाते हैं वो मायने हाँ? रखता है। हाँ आओ आओ, अपनी जान इनके हथेली पे रख के बैठ जाओ। जरा हाथ दो मुझे। अब गले का दर्द कम हुआ? सर सिगरेट पिए मुझे 4 दिन हो गए और ऐसा लग रहा है जैसे सदियां बीत गई हो सर। देखा तुमने? हाँ देखा। सुन लिया,
हाँ सुन लिया। देखते हुए सुना। सुनते हुए भी देख लिया। अरे इन्होंने चार दिन तक सिगरेट नहीं पिया तो इन्हें चार सदियों तक जीने का विश्वास हो गया। और एक तुम हो, तुमसे कितनी बार कहा कि सिगरेट छोड़ दो लेकिन तुम सुनते ही नहीं। क्या कहा? चार सदियों तक जीने मरने की बात छोड़ी है, पहले मेरी चार महीनों की जो तनख्वाह बाकी है उसकी बात कीजिए। ठीक है, पहले इसे क्या देना है बताइए। पीले रंग की चार गोली दे दो। वो भी चार दे दूं क्या? 1 2 3 4 चार गोलियां दे दी हैं, 4 सेकंड में ऐसे दफा हो जाओ। फीस बाहर जाकर दे देना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सर। पैसे देकर जाना। एक बात बताइए, पीली गोलियां चार क्यों देने के लिए कहा आपने? उसे 4 महीने तक कम से कम जिंदा रखना है। हेलो मैडम, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे भैया घर में है? नहीं है, थाने गए हैं। ओह अच्छा हुआ। तुम्हारे डैडी है? हाँ है ना, बुलाओ उन्हें। हाँ हाँ बुलाओ। डैडी डैडी, देखो जरा संभल के, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना। याद रखना ये पुलिस ऑफिसर का घर है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। कौन है आप लोग? नमस्ते अंकल। नमस्ते डैडी, ये हमारे लेक्चरर। हाँ हाँ। इनके पिताजी और माँ। ओके ओके, आप लोग बैठिए ना। आइए बैठिए ना। बैठिए डैडी। अंकल, मैं विजय से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। विजय भी तुमसे प्यार करता है? नहीं अंकल, आप ही उसे समझाकर हमारी शादी करवा दीजिए, उसके बिना नहीं जी सकती मैं। हमारी मैडम बहुत अच्छी है, प्लीज डैडी भैया से कहकर उन्हें मना लीजिए ना, मैडम बहुत प्यारी है। सच में अंकल, मैं बहुत प्यारी हूँ। लो विजय आ गया। भैया। हाँ बोलो। हमारी मैडम को आप बहुत पसंद है, शादी की बात करने के लिए अपने माँ पिताजी को लेकर आई है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, चलो बाहर निकलो। विजय, घर आए मेहमानों से ऐसे बात करते हैं क्या? ये बहुत गलत बात है। देखो तो ये लड़की कितनी उदास हो गई है। तुम उदास हो गई क्या? हाँ हो गई। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। मेरी शक्ल को क्या हुआ? ठीक से देखे सर, लड़की काफी मॉडर्न और स्टाइलिश है। और नहीं तो क्या, मुझ में क्या कमी है? कोई कमी नहीं, तुम्हारे बारे में सब पता है। चाचा जी, ये लड़की नाटक कर रही है, इसकी पूरी फैमिली नौटंकी बाज है। हम सच में इसके माँ बाप हैं, चाहिए तो आप हमारी शक्ल मिला के देख लीजिए। चुप रहो, ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। हट। देख लिया ना चाचा जी, इन सब लोगों का नाटक। हाँ ये सच है, लेकिन ये नाटक मुझे क्यों करना पड़ा? दिमाग खराब हो गया इसलिए। नहीं, दरअसल मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। सर, और कुछ काम है क्या? इस हॉस्पिटल को शुरू हुए कितने दिन हो गए? कम से कम एक बार भी इस बेसिन को धोया तुमने? अच्छा पहले ये बताइए, आपने कभी अपना हाथ धोया है क्या? हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास तैयार रहता है। पेशेंट आ गया है। आइए बैठिए। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ प्रॉब्लम क्या है? हाँ प्रॉब्लम बताइए। सर पूरा बदन दर्द कर रहा है सर। लगता है बुखार है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अरे बेवकूफ, अकल नहीं है क्या? बुखार जैसा लग रहा है मतलब बुखार ही है। पास के मेडिकल शॉप में जाकर क्रोसिन या एनासिन दवाई ले लेनी चाहिए। यहाँ डॉक्टर के पास आकर अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो उठो, जाओ 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 जाओ। बाहर फीस देकर जाना। दवा भी नहीं दी और फीस मांगता है। नेक्स्ट। लगता है किसी का खून करके आ रहा है। अरे बापरे, चिल्ला क्यों रहे हो भाई, जरा आराम से बात करो। अब शांति से बताओ प्रॉब्लम क्या है? बुखार है? ये रंग बिरंगी गोलियां खा लेना। आपने इस पेशेंट को सारे रंग की गोलियां क्यों दे दी? अरे मुझे तो लगभग हार्ट अटैक आ गया था। मेरा एक डाउट है, आप हर बीमारी के लिए सभी रंग की गोलियां नहीं देते? जैसे हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग, काला रंग, लाल रंग। अच्छा, लेकिन इस पेशेंट को आपने सारे रंग की गोलियां एक साथ दे दी, ऐसा क्यों किया?
सफेद गोली किस लिए? सर दर्द के लिए। और पीली? हार्ट अटैक के लिए। लाल रंग? पेट दर्द के लिए। पिंक? मुंह के छालों के लिए। कहीं ये सारी बीमारियां ना आ जाए इसलिए सभी रंग की गोलियां उसे दे दी। आज काफी मरीज आए हैं ना, मतलब 300-400 तो आई होंगे। सिर्फ 300 पेशेंट। तो डॉक्टर साहब उसमें से 150 रुपए मुझे दे दीजिए ना। पहले पेशेंट देखते हैं। हाँ, ये पेशेंट बहुत हट्टा कट्टा है, इसे सावधानी से डील करना होगा। एक बार खांसो और एक बार, फिर एक बार खांसो और एक बार। ये लो रिसेप्शन पे पैसे दे देना। डॉक्टर असल में उसकी बीमारी क्या है? खांसी। आपको कैसे पता? वो खांस रहा था, देखा नहीं? देखा ना। अब चश्मा लगाकर मैं हीरो बन जाता हूँ। कितने दिनों के बाद मेरा कंपाउंडर इस हॉस्पिटल को चकाचक कर रहा है। डॉक्टर किधर है? डॉक्टर किधर है? अरे सर, लगता है पेशेंट आ रहा है। कौन है भाई? डॉक्टर अंदर आ जाओ, पेशेंट आ रहा है, पेशेंट आ रहा है। अच्छा डॉक्टर अंदर है? हाँ बैठो भाई, बताइए प्रॉब्लम क्या है। साहब मेरे को दो दो दिखता है। हाँ? किसको भी देखता हूँ वो दो दो दिखता है। अरे तुम्हें दो दो दिखाई दे रहा है तो तुम चार चार क्यों आए हो? डॉक्टर, अरे तुम भी चार क्यों दिखाई दे रहे हो? पहले 4D चश्मा उतारिए फिर देखिए। ओह, आई एम सॉरी सॉरी। सर इसे कौन सी दवाई दूं? इसे नारियल का तेल दे दो। नारियल का तेल? नहीं सॉरी, मछली का तेल दे दो। इससे अच्छा दो चार मछली फ्राई करके खाना बेहतर होगा। दिन में दो बार मछली पका के खाना, जाओ। पीस नहीं देगा? मछली खरीदे को पैसा चाहिए ना। मछली लगाओ या तेल खाओ। ठीक है मछली लेकर आता हूँ। हाँ तुम जाओ भाई, तुम लोगों के लिए भी मछली लेकर आता हूँ। जाओ जाओ निकलो यहाँ से, चलो। एक पेशेंट से घाटा थोड़ी होता है। नेक्स्ट। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब ठीक है, कोई बुखार नहीं है। क्या बात है डॉक्टर? आज शुक्रवार है। वो तो है, क्लिनिक मरीजों से जगमगा रहा है। आपको पता नहीं है क्या? क्या है? शुक्रवार को 10:30 से 11 तक राहु काल होता है। इस समय मरीज अपनी मृत्यु ढूंढते हुए काल के पास आते हैं। हर एक दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, ये सबको पता है। ठीक इसी तरह मेरे पास आने वाले मरीजों का नाम हर एक गोली पर लिखा होता है और स्टेथोस्कोप पर डॉक्टर का नाम लिखा होता है। मुझे आपका नाम नहीं दिख रहा है, स्टेथोस्कोप की कंपनी का नाम दिख रहा है। तुम अपना गुटर को बंद करो। विजय फोन को घर ले। सर ये लीजिए। ये क्या है? मेरा इस्तीफा है सर। तुम इस्तीफा क्यों देना चाहते हो? 100 बार बोलने के बाद भी आप मेरा ट्रांसफर मेरे गांव में नहीं कर रहे हैं सर, इसलिए मैं खुद गांव जा रहा हूँ। ये रहा मेरा इस्तीफा। सुनो, तुम्हें गांव में ट्रांसफर पहले ही मिल चुका था, मैंने ही रुकवा दिया था। इसका कारण तुम्हारे चाचा है। चाचा जी, चाचा जी। क्या हुआ? क्या बात है विजय? आप कमिश्नर साहब से मिले थे? बोलिए मेरा ट्रांसफर आपने क्यों रुकवाया? वो इसीलिए, बस इसीलिए। तुम्हारा ये जो गुस्सा है ना, बस इसी के लिए आएगा। गुस्सा आएगा मुझे, जो हुआ उसे आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। ऐसी बात नहीं है विजय, तुम्हारी भलाई के लिए ही मैंने। इसीलिए कानून के दायरे में रहकर मैं उन्हें सजा देना चाहता था और मेरे ट्रांसफर का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब मैं खुद को नहीं रोक सकता। मैं उन्हें मार डालूंगा, उन 5 को मार डालूंगा मैं। इसीलिए मैंने ऐसा किया तुम्हारे साथ।
बचपन में जो तुमने बात कही थी वो बात अब तक मेरे दिल में गूंज रही है। मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ मुझे खुद को पता नहीं, मेरा कोई अपना नहीं और मैं आपको दूर नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। विजय, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। पापा, ये जगह तो बिल्कुल गांव जैसी है। हाँ, तुमने सही कहा। एक बात बताऊं, मैंने इस गांव में 10वीं तक पढ़ाई की है। उस जमाने में इस गांव में बिजली तक नहीं होती थी, हमने लालटेन में पढ़ाई की है। अच्छा, आपने इस गांव में पढ़ाई की है? हाँ बिल्कुल, इस गांव से मुझे बहुत लगाव है। चलो मुँह खोलो, खा लो, अच्छा है ना? हाँ, लेती हूँ। अरे और जनार्दन, सुबह से कहाँ चले गए थे? हम कब से इंतजार कर रहे थे। बच्चों को लेने गया था। आओ बैठो। बेटी तुम यहाँ पर बैठ जाओ, पवन यहाँ बैठो। हाँ, हाँ। तुम्हारे बच्चे हैं ये? हाँ मेरे ही हैं। अरे लक्ष्मी, ये जनार्दन है, मेरे बचपन का दोस्त। हमने एक साथ पढ़ाई पूरी की है। ओ अच्छा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? विजय। ये है पवन, ये आरती। हाय पवन। हाय। हाय आरती। हाय। अब आज से तुम तीनों साथ साथ पढ़ाई करोगे और साथ साथ खेलोगे भी, ठीक है ना बच्चों? हाँ ठीक है डैडी। ये लीजिए भाई साहब, ये लो बेटा, और तुम भी लो। ये तुम्हें पसंद है ना बेटा? ये लो। हाँ, थोड़ा खा लो बेटा। डैडी, मम्मी होती तो वो भी इसी तरह खिलाती ना। तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? मेरी मम्मी नहीं है, वो मर चुकी है। अब क्या हुआ जनार्दन? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, कोई जरूरी काम हो तो फोन करना। ठीक है। हवलदार चलो। अरे राजू भैया। कहो कृष्णा, कैसे हो तुम? ठीक हो भैया। कितने बड़े हो गए तुम और काफी लंबे भी। आप कौन? नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी मैं राजू हूं, आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं विजय राज का बेटा हूं, बचपन में मैं और जानकी साथ में पढ़ाई किया करते थे, हर साल वो मुझे राखी बांधा करती थी, आपने पहचाना नहीं मुझे? अरे डैडी, ये अपने राजू भैया हैं। राजू? जानकी कहाँ है मास्टर जी? मैं राखी बंधवाने आया हूँ। ये लो भैया, मेरे गुल्लक का पैसा, ये पैसे लेकर तुम पिकनिक चले जाओ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा खूब सारे पैसे कमाऊंगा और धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगा, ठीक है ना? ठीक है भैया। मेरी कसम खाकर बोलिए कि क्या हुआ था मास्टर जी? राजू भैया मैं बताऊं क्या हुआ था?
पुलिस को बताएगी, वो भी मेरे खिलाफ। स्टेशन में कंप्लेंट करके दिखा तो सही। ध्यान से सुनो, आइंदा से तुम में से किसी ने भी शाना बनने की कोशिश की ना, तो तुम सबको मुर्गे की तरह कुकड़ों को करके चीर दूंगा, समझ गए क्या? हाँ चलो रे। बेटी, बेटी। मुझे सब क्या हो गया पापा? ये क्या हो गया? देखो साहब, मेरी बेटी का क्या हाल किया? किसने किया ये सब? इसे भैरव सिंह के भाई ने मारा। हाँ, भैरव सिंह के भाई का नाम भीमा सिंह है। एक पुलिस ऑफिसर होते हुए तुम डरते हो? भैरव सिंह हो या उसका भाई हो या उसका बाप हो, पुलिस के नजरों के सामने सब एक है। दुनिया में जो कोई भी गलत काम करेगा उसे जेल में डालना ही हमारा काम है। आप चिंता मत करो मास्टर जी, मैं नहीं छोड़ूंगा उनको, अब उसकी खैर नहीं। अब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था इसलिए जेल में नहीं डाल पाया, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए, मैं उसे गिरफ्तार करके रहूंगा। बेटी, ए इंस्पेक्टर, इधर ही रोक दो। जाओ भीमा सिंह को बुलाओ। जबान चला था तेरी तो। इंस्पेक्टर, रास्ता भटक गए क्या? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा भाई भीमा सिंह, उसने एक लड़की का रेप करके उसे मार दिया। तो जाओ और जाकर उसका क्रियाक्रम करो ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाई को उसे किए की सजा देने आया हूँ, समझे भैरव सिंह? साहब रुक जाओ। अरे हवलदार, तू भी अरेस्ट करने आया था क्या? मालिक, 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 मुझे मत मारिए मालिक, मालिक, मेरे दो दो बच्चे हैं मालिक, 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 वो अनाथ हो जाएंगे मालिक, मुझे कुछ मत कीजिए मालिक। चलो उठ, भाग जा। Thank you.
क्या रे, पुलिस में हमारे खिलाफ कंप्लेंट होता है? ये फोटो तो बड़ी प्यारी है। क्या चेहरा है, एक बार मिल जाए ना इसके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बेटा, जो हुआ उसे मैं भूल चुका हूँ। अब कुछ भी करने से जानकी वापस तो नहीं लौट सकती। शायद उस बेचारी के जीवन में इतने दिन ही जीना लिखा था। भगवान अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है? उनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। हम इंसान हैं राजू, लेकिन वो लोग शैतान हैं। वो राक्षस हैं, राक्षस। उनसे मत उलझना बेटा, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। मैं अपनी देवी समान माँ की कसम खाता हूँ, भगवान समान पिता की कसम खाता हूँ, अपनी मासूम बहन जानकी की भी कसम खाता हूँ। आपकी आंखों के सामने उन जानवरों को उसी जगह पर लाकर कुत्तों की तरह पिटाई करूंगा मैं। उन्हें सलाखों के पीछे डालकर सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी नरसिम्हा राजू नहीं। ए, भाई साहब को एक नारियल दे पीने के लिए। ए, पहले मेरे छोटे भाई को दो। लो भीमा, पियो। ए, जल्दी जल्दी काम करो। इज्जत से मेरे भाई को छोड़ दे इंस्पेक्टर। चिल्ला मत, यहीं पे चीर कर रख दूंगा। कर ले, जितनी भी गलती करनी है कर ले, लेकिन मुझे गलती की खबर नहीं होनी चाहिए, वरना यमलोक का यमराज भी तुझे मुझसे बचा नहीं पाएगा। समझा क्या? कर, गलती कर, जितनी चाहे उतनी कर, लेकिन तूने गलती करने का सोचा भी तो तुझे सोचने से पहले उड़ा दूंगा। स्टेशन पहुंचने से पहले तेरे भाई का एनकाउंटर कर दूंगा। पुलिस चौकी पहुंचने से पहले मेरा भाई तेरा एनकाउंटर कर देगा। आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, तुझे अंदर करने आऊंगा, तुझे जो करना है कर। जुर्म मिटाने के लिए, पाप जलाने के लिए आ गया तूफान, तुझे खाक मिलाने के लिए करेगा यही तेरे पापों का सर्वनाश। आ गया है लेके अपने सीने में वो आग, मुजरिमों के जुर्म को जला के करने राख। महाकाल आया है बन के काल, देखो होता है क्या पापियों का हाल, देखो ये झूठ की नहीं है, है सत्य की लड़ाई। जुर्म की नगरी में, इस पाप की बस्ती में इंसाफ ये करेगा, ये करेगा। हो रहा क्या जग में तेरे देख ले भगवान, कुछ लोग बन चुके हैं इंसान से हैवान। इस शैतान से तुम लोग डरते हो ना? इसने जानकी का रेप किया है, कल तुम में से किसी की बहू बेटियों का ये रेप करेगा। आज से इस शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ। ऐसे जंगली कुत्तों की जगह गांव में नहीं है बल्कि सलाखों के पीछे है, और यही इसका अंजाम होगा। साहब, आपका नाम क्या है? नरसिम्हा राजू। नरसिम्हा राजू की जय। 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 चलो जानकी की फाइल लेकर आओ। जी साहब। मैं केस को रीओपन कर रहा हूँ,
इस बार ये कैसे बचेगा मैं देखता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। सर आप बहुत बहादुर हो। सर आपको देखकर हम ही नहीं हमारी वर्दी भी गर्व महसूस करती है। सिर्फ मैं नहीं हर पुलिस वाला ऐसा होना चाहिए। हर पुलिस वाले को देखकर उनकी वर्दी को देखकर उनकी रूह कांपनी चाहिए। सर ये लीजिए फाइल। भाई बेल मिल गई है, चलिए भीमा को छुड़ा कर लाते हैं। मेरी बात सुनो वकील, वो कोई मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं है। उसके अंदर खून नहीं बल्कि उसके अंदर ज्वालामुखी का लावा बह रहा है। और ये धधकती आग मैंने उसकी आंखों में देखी, और जब उसकी आंखें याद आती हैं तो मैं थर थर कांपने लगता हूं। भाई ये आप क्या बोल रहे हो? भैरव सिंह का नाम सुनते ही गांव वालों का पसीना छूट जाता है। आपको ये बात शोभा नहीं देती। मैं क्या करूं वकील, वो मुझे धमकी देकर गया है। वो आएगा, जरूर आएगा, मेरा अंत करने आएगा। आने दो उसे, यही जिंदा गाड़ दूंगा उसे। अगर वो यहाँ नहीं आया ना तो मैं खुद जाकर उसे मार डालूंगा। चुप चुप हो जा, तू उसे नहीं मार पाएगा। अरे वो शान से हमारे इलाके में आया और यहाँ पर हमारे इतने लोग थे, फिर भी वो हमारे भाई भीमा को मार मार कर यहाँ से ले गया। जब ये सारे लोग मिलकर कुछ नहीं कर पाए तो तू अकेले उस इंस्पेक्टर का क्या उखाड़ लेगा? तू वहाँ गया तो जिंदा भी बचेगा क्या? अगर उसे पता भी चल गया कि तू उसे मारने वाला है तो जानता है वो यहीं पर आकर वो हम सबको ठोक डालेगा। मतलब हम कुछ नहीं करें क्या? हम औरतों की तरह हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे रहे, वो हमारे भीमा भाई को हमारे सामने ले गया और हम कुछ नहीं कर सके। तो फिर क्या करें? उसने मुझे भी मारने की धमकी दी है, इसीलिए थोड़ा सब्र करना चाहिए। सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। ऐसा पुलिस वाला मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हमें उसकी कोई कमजोरी पता करनी होगी और उसके बाद हम उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, तब वो कुछ नहीं कर पाएगा, समझे? तो उसे जान से मार देते हैं। इतना आसान नहीं है। उसे सामने से नहीं मारेंगे, पीठ पीछे छिप छिप कर जाल बिछा कर मार डालेंगे भाई। उसे इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो हमारा क्या होगा ये सोच कर ही मैं कांप रहा हूं। तो फिर आप ही बताइए भाई हमें क्या करना चाहिए। मछली को पकड़ने के लिए चारा डालना पड़ता है, ठीक उसी तरह उसे काबू में करने के लिए उसका परिवार चाहिए। मैं समझ गया भाई। संभल कर, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम सब उस शेर का शिकार बन जाएंगे। एक को भी नहीं छोड़ेगा वो। इसीलिए उसके परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा ना रहे, सबको कुचल डालो। हाँ रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको! अरे
Coming. कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? अंदर क्यों आ रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम लोग? बहरे हो? सुनाई नहीं देता? तेरे पति को खत्म करना है और उसका खून करने के लिए हम तेरा इस्तेमाल करेंगे, फिर उसे खत्म करेंगे। मेरे भाई ने एक छोटी सी गलती की थी, एक लड़की का रेप करके उसे मार डाला था, और इतनी सी बात के लिए तेरा पति मेरे घर में घुसकर मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को मार मार कर ले गया और साथ में मुझे भी धमकी दे गया। मैं उसी का हिसाब करने आया हूँ। और तू पूछ रही है कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो, कहाँ से आए हो? सवाल पे सवाल पूछे जा रही है, पागल हो गई है क्या? साइलेंस, साइलेंस। अरे कायर कहीं के, सीधे उनका सामना नहीं कर पाए इसीलिए एक औरत का सहारा लेते हो, शर्म नहीं आती? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। गया तूफान तुझे खाक मिलाने के लिए, करेगा यही तेरे पापों का सर्वनाश। आ गया है लेके अपने सीने में वो आग, मुजरिमों के जुर्म को जला के करे राख। महाकाल आया है बंदे काल, देखो ये झूठ की नहीं है, है सत्य की लड़ाई, झूठ की नहीं है, है सत्य की लड़ाई। जुर्म की नगरी में, इस पाप की बस्ती में, इंसाफ ये करेगा, ये करेगा। हो रहा गजब तेरे देख ले भगवान, कुछ लोग बन चुके हैं इंसान से हैवान। शाबाश। मेरे भाई ने अगर रेप किया था तो तेरे को क्यों तकलीफ हुई रहे? ओहो, मुझे तो आइडिया आ रहा है। मेरा भाई अब तेरी बीवी का रेप करेगा। ए भीमा, चल शुरू हो जा। Ah!
छोड़ेंगे नहीं चाचू, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें अपना बदला कानून की मदद से लेना होगा। उठो। विजय, यहाँ क्यों बैठे हो? तुम भी खेलो इनके साथ। सॉरी पवन, सॉरी विजय, सॉरी सॉरी पवन। ये सब क्या हो रहा है बेटा विजय? मैं सांप नहीं हूँ चाचू, मैं खुद एक सांप का शिकार हुआ हूँ। मैं किस रास्ते जा रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता। मेरा कोई अपना नहीं है और मैं आप लोगों को दूर नहीं कर सकता। विजय, पवन को मैं बहुत प्यार करता हूँ चाचू। सॉरी विजय भैया। बोलिए मैडम, आपने मुझे बुलाया, कोई प्रॉब्लम है क्या? आपके बेटे विजय को यहाँ पढ़ाने से उसकी फिजिकल ग्रोथ तो जरूर होगी, लेकिन मेंटली ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। अब हम क्या करें मैडम? मेरी पहचान की एक स्कूल है, वहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चे पवन जैसे हैं और वहाँ आपका बेटा जरूर ठीक हो सकता है। वहाँ का एड्रेस दे देती हूँ। मैडम, उसके बगैर मैं जी नहीं सकूंगा मैडम। चाचू आप ऐसे उदास मत होइए, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, हमारे पवन को ठीक होना चाहिए। आप अगर ऐसे ही रोएंगे तो पवन भी जाने से इनकार करेगा। यूँ रोना बंद कीजिए चाचू, पवन के बारे में तो सोचिए। सर, नमस्ते सर। आपके बारे में प्रिंसिपल ने सब बता दिया है, आपके बेटे का ख्याल हम रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए।
इसे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं किया है। सभी बच्चे एक समान हैं मेरे लिए, हम इसका ख्याल रखेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। पवन तुम खूब मेहनत करके पढ़ाई करना, तुमसे मिलने में कभी कभी आता रहूँगा, ठीक है ना? ठीक है विजय भैया। आओ बेटा, इसकी जिम्मेदारी हम पर छोड़िए, आप निश्चिंत होकर जाइए। नाम क्या है बेटा? पवन। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास। सुनो बच्चों, आज से तुम्हारा ये नया साथी, अच्छे से मिलकर पढ़ाई करना, ठीक है? अब चलिए चाचू। एक बात बता, उसके बगैर तू रह सकता है क्या? चाचू। मैंने उसकी भलाई के लिए ये सब किया, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। ये सब कौन है? सर ये लोग भीमा सिंह के आदमी हैं। रोज यहाँ पर आकर ये लोग शराब पीते और हमें मारते भी हैं। ओए, देखो नया मेहमान आया है, उसे इज्जत से मेरे पास ले आओ। चल रहे। तू मेरे आदमियों को इस तरह क्यों मार रहा? तू इंसान है या जानवर? ए, याद रखना, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। मैं तेरे साम्राज्य का अंत करके रहूंगा, तेरे भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तड़पा तड़पा कर कुत्ते की मौत मारूंगा उसे, वो हाल करूंगा उसका कि इंसान के रूप में पैदा होने के लिए उसकी रूह कांपेगी। मैं उसे इस धरती पर ही नरक दिखलाऊंगा। तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, तू नहीं जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। चुप कर, जो करना है कर ले, तेरे पास टाइम ही कहाँ बचा है। पहले मैं तुझे मारूंगा और तेरे साथ साथ तेरे पूरे पापी साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। तेरी आखिरी सांस निकलने से पहले तुझे जो करना है कर ले। डॉक्टर, आप इस तरह मक्खी क्यों मार रहे हो? हमारे पेशेंट को तूने मार दिया इसलिए। क्या मैंने? मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठो, मेरे ना कहने से नहीं बैठोगे क्या? आप सबको काली, सफेद, नीली, पीली, लाल रंग की गोलियाँ देते हैं। अब पेशेंट्स को किस बीमारी के लिए क्या यूज करना है उन्हें पता चल गया है, इसलिए आपको पैसे देने के बजाय वो मेडिकल शॉप से खरीद कर खुद ही खा लेते हैं। इसलिए आप मक्खियाँ मार रहे हैं। तो क्या करूँ, यहाँ पर नाचूं? अरे मैं बोर हो रहा हूँ, तुम्ही बताओ मैं क्या करूँ। इसके लिए एक आइडिया आया है। क्या आइडिया है बताओ? ये लीजिए। अरे रे रे रे, अरे ग्लास कहाँ है? ये ग्लास और ये, अरे वाह, ये इसमें मेरे लिए थोड़ा ज्यादा लेता हूँ और आपको थोड़ा और ज्यादा देता हूँ। अरे जल्दी करो, जल्दी। चीयर्स।
कंपाउंडर, मैंने जिंदगी में कई रंग बिरंगी दवाइयां देखी हाँ। लेकिन आज तक एक भी सतरंगी नारंगी नहीं देखी। आपको इंजेक्शन भोंक कर मार डालने का मन कर रहा है। इस क्लिनिक को पूरे 10 साल हो गए लेकिन आज तक आपने कलरफुल नर्स रखी क्या? दबे हुए अरमान एक पेग मारने के बाद फुदक फुदक कर बाहर आने लग गए क्या? चलो ठीक है, मैं आपको एक लड़की से मिलवाऊंगा लेकिन आपको अपना लिमिट क्रॉस नहीं करना है। बाजू वाली बिल्डिंग में शूटिंग चल रही है, उस लड़की को बस देख सकते हैं लेकिन उसे बिल्कुल छूना नहीं। और अपने कैसे यहाँ रिएक्शन हो गया तो वहाँ एक्शन हो जाएगा। भाई डॉक्टर का फोन है, हमारे आदमियों के बारे में कुछ बात करना चाहता है। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ सर। हाँ। ये कोई मामूली जख्म नहीं है सर, इन्हें जिसने मारा है वो आम इंसान नहीं है। बदले की आग में जख्मी शेर की तरह वार किया है, ताकतवर हमला किया है सर। जख्म गहरा है, इन्हें ठीक होने में कम से कम 6 महीने और लगेंगे सर। तब तक के लिए आप ये मानिए ये लोग जिंदा लाश हैं। समझा, अब मैं समझा, ये उसका बेटा है। वही मार, वही चाल ढाल, वही नजर, वही है, इसमें कोई शक नहीं, वही है। वो बदला लेने के लिए आया है। ए वकील। हाँ भाई। होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। ठीक है भाई। हेलो, तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर से बात करके आता हूँ। रुको, जल्दी पता करो, फोन करो, मुझे पता है ये वही है, उसी नरसिम्हा राजू की औलाद है ये। कौन है वो जिसने तुम्हें मारने की धमकी दी थी? उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। कौन है वो बताओ। ओए, डायलॉग बाजी मत कर, पहले उसे ढूंढ, जल्दी उसका पता लगा। कौन है वो? इस इलाके का नया इंस्पेक्टर। होम मिनिस्टर स्पीकिंग, वहां जो नया पुलिस इंस्पेक्टर आया है उसका डिटेल चाहिए मुझे। ओके, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, वो उसी का बेटा है। हाँ, वो बदला लेने आया है, मुझे और मेरे आदमियों को मार डालेगा। हे, एक मामूली पुलिस ऑफिसर से तुम क्यों डर रहे हो? इस दुनिया से इसका पत्ता साफ कर दूंगा, जानते हो ना मैं कौन हूं। ए, तू नहीं जानता, वो किसी की नहीं सुनता। अरे मैं इस इलाके का भाई हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया तो तू क्या कर पाएगा? देख, तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुझे अगर कुछ करना है तो उसका ट्रांसफर कर, उसे डिसमिस कर, उसे दफा कर। हेलो, उस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दो। स्पीकर ऑन करो मिनिस्टर। उसे ट्रांसफर करने के बाद भी वो नौकरी छोड़ के वहीं रहेगा, लेकिन वहां से नहीं जाएगा सर। तो फिर एक काम करो, उसे तुरंत डिसमिस कर दो। हाँ कर दूंगा, लेकिन एक बात सुनिए, कम से कम वो पुलिस की नौकरी करेगा तो हमारी बात तो सुनेगा, वरना उसे काबू में रखना पूरे स्टेट की पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम है। ए, जानता हूं तू बड़ा तोप है, लेकिन मैं भी कम नहीं, तुम बस देखते रहो, उसे ऐसी जगह भेजूंगा जहां से उसकी आत्मा भी नहीं लौट के आ पाएगी, समझे? ठीक है, चलता हूं। नमस्ते मैडम। नमस्ते, मैं बी टीवी से आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। हाँ बोलिए। आपकी ये फिल्म कॉमेडी है या सीरियस? मेरे ख्याल से दर्शक हंसाने वाली कॉमेडी फिल्में ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे प्रोड्यूसर्स को भी अच्छा कलेक्शन मिलता है, वो है कॉमेडी सिनेमा।
आजकल हमारी इंडस्ट्री में बड़े बड़े नामचीन मशहूर हस्तियाँ फैक्ट्री वगैरह शुरू करके उन फैक्ट्रियों में तैयार किए हुए घटिया प्रोडक्ट्स को दर्शकों पर जबरदस्ती आजमाकर खामखा बकवास टॉपिक्स पर फिल्में बनाकर प्रोड्यूसर्स को पूरी तरह से बर्बाद करके खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हैं। वो सब ट्रेजेडी मूवीज होती हैं। तो अब मैं जो कर रही हूँ वो कॉमेडी है या ट्रेजेडी दर्शक खुद ही फैसला करेंगे। पिछले महीने आपने जिस फिल्म में काम किया था उसकी कहानी बहुत अच्छी थी। लोगों का कहना है कि उसी वजह से वो फिल्म हिट हुई। आपका क्या कहना है? ऐसी बात नहीं है। किसी भी स्टोरी को मजबूत बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और सभी टेक्नीशियंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बात दर्शकों को नहीं पता होती और उन्हें लगता है कि ये सिनेमा सिर्फ मेरे वजह से हिट हुई है। आप एक फेमस हीरो के साथ शादी करने वाली है ऐसा पब्लिक में बातचीत चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगी? अरे ये आप क्या कह रहे हैं, मैं सपने में भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। आप शादी कब करेंगी, हमारे दर्शकों को ये आप बताएंगी? मुझे शर्म आ रही है, इतनी कम उम्र में शादी कैसे कर सकती हूँ। पहले मेरे बहन की शादी होगी, उसके बाद मैं अपने शादी के बारे में सोचूंगी। तब तक मैं अपने फैंस के लिए उनके सपनों की स्वप्न सुंदरी बन के रहूंगी। आपका बर्थडे कब है और आपने 16वां बर्थडे कब मनाया था? अगस्त 15, इसीलिए मैं आजाद जिंदगी जी रही हूँ। सॉरी मैडम, आपने 16वां बर्थडे कौन से साल में मनाया था? वही तो मैं कहना चाह रही हूँ, हर साल 15 अगस्त को मैं 16 साल की होती हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ की एवरग्रीन हीरोइन हूँ। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हैं? अब नहीं नहीं, आपके इतने खूबसूरत होने के पीछे वजह क्या है, हमारे सभी दर्शकों को बताएंगी प्लीज? बताऊंगी, लेकिन दर्शकों को नहीं बताऊंगी कि वो मेरा सीक्रेट जान जाएंगे, लेकिन आपको बताऊंगी। वो इसलिए क्योंकि मेकअप ही मेरा राज है। मेकअप की वजह से मुझे नेचुरल ब्यूटी कहते हैं। अरे मुझे मना करके तुम क्यों लाट टपका रहे हो? मैडम, आप आइटम सॉन्ग में छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए बड़े बड़े रकम मांगती, क्या यह सच है? आपको फिर से गलत फहमी हुई है। आखिर मैं दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पैसे लेती हूँ, और जहाँ तक छोटे छोटे कपड़ों की बात है, हमारे प्रोड्यूसर के पैसे बचाती हूँ, इसलिए वो भी खुश। आखिर मेरे ख्याल से वो भी मेरे चाहने वाले ही है ना? बहुत ही ओपन टाइप की लग रही है। कहाँ कुछ ओपन किया? अच्छा, मेरा मतलब खुलकर बात कर रही है। अच्छा। मैडम, आप अपने ड्रेस कौन से शॉप से खरीदती हैं? हाँ, जनरली सब लोग जिस शॉप में जाते हैं वहीं से मैं शॉपिंग करती हूँ, लेकिन मेरे साइज की ड्रेसेस वहाँ पर मुझे मिलती ही नहीं, इसीलिए मैं बच्चों वाले शॉप में शॉपिंग करने जाती हूँ, आखिर मैं भी तो बच्ची हूँ। आप अपने हर फिल्म में कम से कम एक सीन में स्विमिंग सूट में दिखती हैं, इसकी वजह क्या है? ताकि मैं अपने अतीत को भुला सकूं। ओ हेलो, मैं एक मशहूर डॉक्टर हूँ। ऐसा क्यों? दरअसल मैंने अपनी लाइफ में काफी धक्के खाए हैं, पहाड़ जैसे मुश्किलों को पार किया है, इसीलिए आज मैं इतनी बड़ी हीरोइन बन गई। आप एक बड़े हीरो के साथ बहुत सारे फिल्म में बेटी का रोल किया, बहन का रोल किया, फिर उसी हीरो के साथ हीरोइन बन के आप काम कर रही हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, इतनी फेमस हीरोइन हूँ तो हर हीरो मेरे साथ काम करना चाहेगा। अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। अरे रे रे रे, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाल ही में शूटिंग से लौटते वक्त आपके ऊपर अत्याचार हुआ था, ये अफवाह है या सच है? आप ही कह रहे हैं ये अफवाह है, और आप ही पूछ रहे हैं यह सही है या गलत। आजकल हर छोटी बात का मीडिया बात का बतंगड़ बना देती है, इसलिए मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रास्ते में मेरा ड्राइवर रास्ता भटक गया। उस रास्ते में 4 शराबी नशे में धुत थे। उन्हें पता चल गया कि गाड़ी में हीरोइन है, तो गाड़ी को रोक कर मुझसे जबरदस्ती की। मैं उस वक्त गिड़गिड़ा रही थी, उन्होंने मेरी एक न मानी। फिर मैंने की मनमानी और अपना मेकअप उतार दिया। मेरा असली रूप देखकर वो बेहोश हो गए।
बस खेल खत्म, आगे पूछिए। डॉक्टर नीचे देखिए, थोड़ा ऊपर देखिए, अब और थोड़ा ऊपर। मैडम के चेहरे की तरफ देखिए। ये बातें तो क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अरे मेरा मतलब वहाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे देखिए, अब मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे। सही है ना? आपके काफी सारी फिल्में सुपर हिट रही हैं, क्या आप राजनीति में आना चाहेंगी? ये आपने क्या पूछ लिया? अभी मेरी उम्र ही क्या है और मैं पॉलिटिक्स में? अभी हाल ही में आपकी एक फिल्म रिलीज हुई है, वो फिल्म फ्लॉप हो गई, आपका क्या कहना है? हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स आजकल नौजवान राइटर्स को छोड़कर बाबा आदम के जमाने के राइटर्स को ले आते हैं। वो बुजुर्ग अंकल अपनी प्रेम कहानी लिख कर ले आते हैं, तो आप ही बताइए, मूवीज तो फ्लॉप ही होंगी ना? आखिरी सवाल है मैडम, आप हमारे बी टीवी के ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगी? मेरी खूबसूरती को बड़े पर्दे पर देखकर लोगों को सुकून का एहसास होता है। पायरेसी सीडी खरीदकर, टीवी स्क्रीन्स पर देखकर, मेरी सुंदरता और अदाएं ठीक से ना देख पाने पर आप उदास हो जाते हो, इससे मेरी फिल्म को नुकसान होता है। कृपया उन्हें बर्बाद मत कीजिए, आप समझ रहे हैं ना? नहीं सर, थोड़ा एंगल लगाकर देखिए ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? वो मैडम चैनल के लिए सीरियसली इंटरव्यू दे रही है और तुम लोग यहाँ ऐसी हरकतें कर रहे हो, ये बहुत शर्म की बात है, चलो दफा हो जाओ। चलिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम। आप जैसे ऑफिसर्स डिपार्टमेंट में होने की वजह से हम लोग अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, अपना ख्याल रखिए। इसके आगे हम लोग सर। हाँ आइए आइए, देखिए मैं आप सबसे बाद में बात करूंगा, आधे घंटे तक कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने भैरव सिंह को वार्निंग दी है क्या? यस सर। उसकी वजह? दरअसल वो गलती कर रहा था। क्या गलती कर रहा है वो? तुम उसे जानते नहीं, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, उससे पंगा मत लो नहीं तो कहीं कहीं नहीं रहोगे। ऐसा क्यों सर, क्या कर लेगा वो? ए, तुम अपने आप को बहुत काबिल इंस्पेक्टर समझते हो क्या? एक मामूली इंस्पेक्टर हो बस। तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी है, दी है ना? हाँ दी है सर। है दी है, ये कोई मजाक है क्या? नहीं सर, मजाक नहीं है, जान से मार डालूंगा उसे मैं। सर सुन, इतना उछलने की जरूरत नहीं है, तू अपनी औकात भूल रहा है। अगर मैं चाहूं तो तेरी वर्दी अभी के अभी उतरवा सकता हूं। अगर ये वर्दी रही तो कानून के तहत मारूंगा उसे, और अगर वर्दी नहीं रही तो कुत्ते की मौत मारूंगा उसे। चाहे कुछ भी हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और जो कोई भी बीच में आया उसे चीर कर रख दूंगा मैं, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। ए, क्या मजाक कर रही हो ये? क्यों आई हो यहाँ पर? क्या काम है मुझसे? जाओ यहाँ से। ए, तुम रो क्यों रही हो? मैंने डांटा इसलिए, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें डराने आई और तुमने मुझे ही डरा दिया, बहुत बुरे हो तुम। ठीक है, आज यहीं रुक जाओ, फिर कल सुबह यहाँ से निकल जाना, ठीक है? ओके। तुम इस बेड पर सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूं। आई लव यू।
हाय डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। ये नहीं सुधरेगी भाई, उस इंस्पेक्टर ने हमारे आदमी को अंदर कर दिया। हाँ भाई, अभी पुलिस चौकी से फोन आया। वो होम मिनिस्टर क्या कर रहा है, उसे यहाँ बुलाओ। भाई, होम मिनिस्टर को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। हेमा सिंह जी भाई, उसके सारे रिश्तेदारों को घसीट कर यहाँ ले आओ। ठीक है भाई, अब आप देखिए मेरी ताकत। और तुम सुनो भाई, तलवारें बंदूकें सभी हथियार तैयार रखो। ठीक है भाई। नरसिंह बोलो भाई, तुम अपने आदमियों को तैयार रहने के लिए बोल दो। हो जाएगा भाई। सब समझ गए ना? हाँ भाई। हाँ भाई। उसने मुझसे पंगा लिया है, आने दो उसे, उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा, चील कौओं को खिलाऊंगा। ने सर, ये देखिए उसकी लाश, पवन को मार डाला सर। पवन उठो, पवन मैं आ गया हूं। पवन उठना मेरे भाई, उससे बात कर। पवन उठना, पवन उठ जा, देख विजय आ गया है। तू इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पवन उठ जा, पवन एक बार उठ जा, पवन उठ जा मेरे भाई, आंखें खोल। पवन पवन उठ जा, पवन उठ जा मेरे भाई, पवन। Oh!
अब उसका इंतजार मुझसे होने वाला नहीं है। सब्र करो, उसे गिड़गिड़ाते हुए आने दो यहाँ। तब तक मैं नहीं रुक सकता। तब तक मैं इसके साथ खेलूंगा, मजा आएगा। कहाँ भाग रही है? रुक। तुझे इतनी आसानी से मैं नहीं मारूंगा। यही है ना भीमा, मैंने इसे भी मार डाला, उसे भी मार डाला, अब तू किस लिए जिंदा रहेगा? अब तू सिर्फ एक चलती फिरती लाश है। डरपोक, भाग जा यहां से, छोड़ दो गंदी नाली के कीड़े। बाबू चलो।